नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। चुनावी माहौल है, ऐसे में एक दूसरे पर बयानबाजी करना आम बात है, लेकिन कुछ नेता बयानबाजी के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। यही हाल कुछ राहुल गांधी का भी है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहना कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने नोटिस भेज जवाब मांगा है, वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुना दी है। रविशंकर प्रसाद ने उनके पिता से लेकर दादी और परदादा तक की बात याद दिला दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पीएम जैसे वरिष्ठ पदों के प्रति कुछ शिष्टाचार होना चाहिए। राहुल गांधी तो सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए, उन्हें क्या हो गया है। वह भारतीय राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों के पोते और परपोते हैं। बाकी तो देश तो उनकी क्षमता को जानता ही है, जो वंशवाद की राजनीति से आगे बढ़ रहा है। क्या वो प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अनुचित शब्द बोलेंगे, यह निराशाजनक है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि जीत या हार खेल का हिस्सा है। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इस बयान को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता को अतीत से सीख लेने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि आपको अतीत से सीखने की ज़रूरत है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाड़मेर में एक रैली में वर्ल्ड कप फाइनल में पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर उन्हें पनौती बता दिया था, जिसके बाद से पूरी भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। वहीं चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेज दिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर और रविशंकर प्रसाद के इस पलटवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।